हरियाणा कांग्रेस की कलह के बीच रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, बोले मैं भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा तीनों सीएम पद के दावेदार, अब हाईकमान तय करेगा। हरियाणा कांग्रेस में कलह पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान, बोले कोई भी परेशान नहीं, कुमारी शैलजा अपना काम कर रही, मनोहर लाल खट्टर को मिस्टर इंडिया बताया। हरियाणा के सिरसा में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, रानिया से आप प्रत्याशी हैप्पी सिंह के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मुझे झूठे केस में 5 महीने के लिए जेल में डाला गया, मैं 10 साल से दिल्ली के लोगों की सेवा ईमानदारी से कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब में 24 घंटे बिजली मुफ्त में मिलती है, जनता बताए मुफ्त बिजली देने वाला चोर या महंगी बिजली देने वाला। हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी का एक्सपोस्ट, लिखा क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा, भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी, लाखों परिवार अपने अपनों से दूर। बसपा चीफ मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा इनकी एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण नीति दोगली, ये देश में समर्थन और देश और विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मायावती के बयान का समर्थन किया, कहा राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से एससी एसटी और ओबीसी समाज आहत और आक्रोशित। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान का नू हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान, कहा सरकार बनने पर सिखाएंगे सबक, अन्याय करने वालों को छोड़ना पड़ेगा मेवात। दिल्ली का कार्यभार संभालने के बाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची सीएम आतिश्री, बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। दर्शन करने के बाद बोली सीएम आतिश्री, हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं, आने वाले चुनाव में केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का मांगा आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल, राजौरी में कड़ी सुरक्षा, 26 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राजस्थान के सीएम अजयलाल शर्मा ने की चुनावी सभा, कहा 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त विकास, चुनाव आयोग का 13 सदस्यीय दल। रांची में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुंबई में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील के समर्थकों पर देर रात लाठीचार्ज, विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी सड़क को नहीं कर रहे थे खाली। प्रोटेस्ट की वजह से रोड जाम होने के बाद पुलिस का एक्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की पोस्ट पर विवाद, नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया, सीएम नीतीश से मिलने के बाद चौधरी ने कहा चौधरी ने मीडिया से बात नहीं की। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर कविता की तर्ज पर किया था पोस्ट, लिखा था बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, सूत्रों के अनुसार पोस्ट के सहारे अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के पोस्ट पर जताई आपत्ति, कहा सीएम नीतीश को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं।